एक प्रतिक्रिया मिल रही है अजय सिंह जी की, पहले दर्शकों के साथ साझा करेंगे। अजय सिंह राहुल भैया, क्या पूछ रहा है किसी को कुछ नहीं, सिर्फ फोटो देख ली। आज चुरड़ विधानसभा क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है। मैसाणा शिवराजपुर अपने गृह मतदान केंद्र में आया था अपना मत देने, और जो जिस तरह से रुझान दिख रहा है, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई, बहुत ही शुभ संकेत है। प्रदेश में बदलाव की हवा है और पूरी उम्मीद है कि 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज होगी। और आप देख लीजिएगा, न किसी योजना का, कोई चीज का असर पड़ेगा भाजपा का। इस बार पहली दफे मैं 8 या 9वां चुनाव लड़ रहा हूं चुरहट से, लोकसभा मिला के, लेकिन जिस तरह से हम लोगों के शिकायतों में कोई कार्रवाई नहीं होना, ये पहले कभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं लेता, जिला प्रशासन तो मूर्ख दर्शक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहा है। धन्यवाद। भैया, लाडली बहना का कितना असर रहेगा मध्य प्रदेश में? लाडली बहना का मध्य प्रदेश में असर मुश्किल से 1% रहेगा, लेकिन हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम का 5% रहेगा। और अधिकारियों में पूर्ण सहयोग की भावना है, क्योंकि वो भी आने वाले समय में ओपीएम से ही प्रभावित होंगे। तो अजय जी को सुन रहे थे आप, जो कि चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं और काफी सीनियर लीडर हैं। समय समय पर आपसी विवाद, इसकी खबरें भी आती रही, रूठ गए, मान गए, ये सब समझ में आता रहा। अरविंद जी।